के बिहारी लाल की जय। हाँ देखो ये भजन में क्या बोल रहे हैं, हमारे श्री कवि जयदेव और श्री बिल्लो मंगल। बिल्लो मंगल ठाकुर का नाम सुने हो? कौन कौन सुने बिल्लो मंगल का नाम सुने हो? कोई बिल्लो मंगल नाम ना कहती है। बिल्लो मंगल पहले एक बेस्या का प्रति आ सकते थे, ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु, हरे कृष्ण। कहते श्री बिल्लो मंगल जी पहले एक बेस्या का प्रति वो आसक्त थे। वो बेस्या देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसके साथ साथ में भी वो जो बेस्या है ना बड़े सुंदर भजन गाया करती थी, बड़े सुंदर पखवाज बजाया करते थे, हारमोनियम बजाती, उसको गला बड़ी मीठी सुन, बड़ी मीठी सुनली, उसी गला की आवाज बड़ी मीठी थी। लेकिन ये बिल्लो मंगल को बेस्या के प्रति बड़ा आसक्त था, वो उसको घर जाए बगैर रह ही नहीं सकता है। कुछ भी क्यों घर में नहीं हो जाए, वो बेस्या के पास उसको जाना ही। एक दिन क्या हुआ, उसको घर में उसको पिताजी शरीर छोड़ दी, लेकिन वो तो बेस्या पास में जाएगा। अभी पिताजी शरीर छोड़े उनका क्रिया करना पड़ता है, हैं? करते 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 हो गया रात। जब रात हो गया अब सब के सब सो गए, लेकिन उसको तो नशा चढ़ा हुआ, वो बेस्या के पास में जाना है। अभी वो बेस्या के पास में जब आया, इतने में बड़ी नदी बह रही थी, एक नदी पार करना पड़ता है। वो नदी को कैसे पार होगा, देखा एक लकड़ी बहते हुए जा रहा है, एक लकड़ी बहते हुए जा रहा है। हाँ वो लकड़ी नहीं था, वो एक सब मरा हुआ शरीर था, लेकिन वो मरा हुआ शरीर को उसका प्रेम में वो इतना पागल था, वो मरा हुआ शरीर को भी समझ क्या समझ लिया, ये एक सुखी लकड़ी है, और उसको आधार करके उसने नदी पार किया। अभी तो घर बंद कर दिया और सो गई वो बेस्या। वो चढ़िया कैसे घर के अंदर में जाएगा कैसे, देखा एक रस्सी लटका हुआ, रसी नहीं था वो था सांप। वो सांप को इतना प्रेम में पागल था, वो सांप को भी समझ लिया ये रसी, और वो रसी को पकड़ करके उसने ऊपर में चढ़ा किसी तरह से दीवार के ऊपर में, और लगाया छलांग। जब छलांग लगाया ऊंचे से धड़ांग करके आवाज हुई, वो जो सो रही थी हैं, वो जो बेस्या सो रही थी इसका नाम थी चिंतामणि। चिंतामणि जग गई, देखा उसने देखा इसको, बिल्लो मंगल को देखा, बोले तुमने नदी कैसे पार किया, बोला कि लकड़ी बहते हुए जा रहा था। उसने दिया लगाते हुए देखा वो लकड़ी नहीं, वो था सब मरा हुआ डेड बॉडी। बोले ये दीवालों को कैसे पार किया, बोले एक रस्सी लटक रहा था। बोले रस्सी कहां से आ गई, देखा दिया जला कर तो रस्सी नहीं, वो सांप है। सांप जब किसी बील में मुंह डाल देते ना, अब किसी तरह से उसको निकाल नहीं सकते हो। वो सांप को पकड़ करके उसने ऊपर में चढ़ा और छलांग लगाया। चिंतामणि ने कहा तेरे जीवन को अधिकार है, क्योंकि यद्यपि वो थी बेस्या, लेकिन बड़ी सुंदर भजन गाया करती थी, बड़ी सुंदर बाजा बजाया करती थी, उसको उसको आध्यात्मिक ज्ञान थी, उसको है उसको आध्यात्मिक चेतनता थी। उसने उसको ताना मारे, है बोले तू ये शरीर का प्रति इतने आसक्ति हो, जानते हो ये शरीर किस चीज से बनी हुई। बोले खिती जला पाप गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अधम शरीर है, ये पांच चीज से बना हुआ, मिट्टी जल वायु आकाश है, इसी पांच चीज से बनी हुई। हर अंदर में क्या है, ऊपर में के चमड़ा ढका हुआ, किसका पेट को यहाँ फाड़ कर रख दो ना सो भाग जाएगी यहाँ से। केवल टाटी पेशाब खून पीक और कुछ है ही नहीं शरीर में। आप सवेरे उठ करके देखना हमारे नौ द्वार है, शरीर में नौ द्वार है। अब सवेरे उठ करके देखना सबसे बदबू निकलती है, आंखें से भी बदबू, कान से भी बदबू, मुंह से भी बदबू, नाक से भी बदबू, और नीचे से दो दो द्वार नीचे उसमें बदबू बदबू निकलती है। और शरीर से जैसे गर्मी हो, ब्यूटी पार्लर में गए
बड़े सुंदर ब्यूटी पार्लर में सज करके आए, ब्यूटी पार्लर में सज करके आए। अगर बाहर गर्मी हो ना, 5 मिनट के बाद बाहर निकलो, सारे ब्यूटी पार्लर में जो सज धज कर गए ना, सब सब बेकार हो जाती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित ये अधम शरीर आई, अधम शरीर है। इसलिए चिंतामणि कह रही है, बोले तू किसका प्रति आसक्त हो गया, ये शरीर का प्रति जिसमें केवल गंदी गंदी है, टाटी पेशाब खून पीक से कुछ है ही नहीं, उसको प्रति तू आसक्ति हो गया। जितना तुमने ये शरीर का प्रति आसक्ति लिया है ना, सांप को रस्सी समझ लिया, डेड बॉडी को तुमने समझ लिया लकड़ी, अगर 1% अगर तुम कृष्ण में ये प्रेम लगा लेता ना, 1% अगर कृष्ण में अगर लगा लेता मन को, तेरा बेड़ा ही पार हो जाता, संसार से तेरे उद्धार हो जाता। तुमने किसकी प्रति आसक्ति लगा दिया, तुमने कहां लगाना था, ठाकुर का प्रति, और तुम ये शरीर का प्रति लगा दिया। उसने जब ये बात बोली ना, उसको इतना खटकी, उसको इतनी उसको आघात लगा, क्योंकि वो भी सब भक्ति करते थे, सब जानते हैं ये जीवन अनित्य, जीवन पाकर भजन करनी चाहिए। उसको बड़ी धिकार आ गया, बोले और ये संसार नहीं, सब छोड़े चलो वृंदावन में भजन करने के लिए चलते। अभी वृंदावन जा रहे हैं, जाते जाते उसको प्यास लगी, देखा कुछ कुएं में कुछ माताएं पानी भरते थी। जब कुएं में गए पानी पीने के लिए, वहां पर एक सेठानी थी, सेठानी समझती हो, एक धनवान का घर की कोई लड़की थी, देखने में वो बड़ी सुंदर थी। जब उसने उसको पानी पिलाया, जब उसने फिर उसको सूरत को देखा ना, फिर आसक्त हो गया। आसक्त होकर के वो जो सेठानी पानी पिला कर जब घर में गई, ये तो उसको पीछे 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 ये भी चलने लगा, वो डर गई, क्योंकि जटाजुट हो गया था ना, बड़े दिनों से जटाजुट हो गया था, वो डर गई, सीधा घर में घुस गई। घुस करके ये साधु वेश है, दरवाजा में पहुंचा, घर का जो सेठ था, जो सेठ था, रेणु समझ रहे हो, सेठ कौन है, पैसा वाला, हाँ सेठ था। उसने आकर देखा एक साधु है, बोले बाबा क्या चाहिए, बोले थोड़ा अपना पत्नी को बुलाओगे, तो उसने पत्नी को बोला इधर आओ, बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरे कुआ से फॉलो कर रहा है, वो साधु कुआ से मेरे को फॉलो कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, बोले मैं हूं ना साधु है, कोई चिंता मत कर, आ जाओ। जब आ जाए बोले बाबा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पहले जो माता है ना, जैसे आप लोग केस को खोल कर रखे हो, पहले कोई केस खोल कर नहीं रखते थे, समझ रहे हो, जो केस है, जो बाल है, जो खोल कर रखते हो ना, इसको शास्त्र में इसको विरोध बताया गया है, इसको शास्त्र में अच्छा नहीं मानी गई, हर समय माताएं केस को बांध कर रखनी चाहिए। इसलिए भागवत में कथा आती है, इसलिए श्री दीति ने उसने केस को खोल करके, बाल को खोल करके सो गई, और इतने में इंद्र अंदर में प्रवेश किया पेट के अंदर में, और उसका बच्चों को उन्होंने 49 टुकड़े कर दिया, उन्होंने 49 टुकड़े कर दिया। इसलिए पहले कोई भी माता है केस को कोई खोल कर नहीं रखते थे, केस को बांध कर रखनी चाहिए है? अब जो केस को बांध कर रखते हैं ना, उसमें कांटा होता है, हम लोग पहले सुरीनाम से होंगे, पहले आप गांव घर में देखे होंगे, वो जो खोपा बना कर रखते, उसमें कांटा से ऐसे दोनों कांटे से उसको बांध कर रखते थे। बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले तुम्हारे सर में जो कांटा है ना, दो वो दो कांटा हमें दे दो। वो तो समझ नहीं क्यों कांटा मांग रहे, तब उन्होंने उनको पत्नी ने दो कांटे निकाल करके उनको दे दिया, और उनको सामने उसने दोनों कांटा को लिया, आंख को फोड़ दिया, और आंख से खून की धार बहने लग गया, आंखों से खून की धार बहने लग गई। उन्होंने हाहाकार कर लिया, बोले ये क्या कर दिया तूने, आंख क्यों फोड़ दिए। बोले हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, सबसे बड़ा दुष्ट कौन है, बोलिए आंख है, सबसे बड़ा दुष्ट हमारी आंख है। देखो अब जो भजन करने के लिए बैठो, जब भजन करने के लिए बैठो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं, ये मन भजन में क्यों नहीं लगता है, भजन भजन में ये मन क्यों नहीं लगता है, कारण क्या,
हमने इन्हीं आंखों से जो गंदी गंदी चीज देखे ना, आंख नहीं ये कैमरा है, ये आंखों सारी फटों को खींच लेता है। अब जो भजन करने के लिए बैठना देखना, ये आंखों से जितने गंदी 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 चीज देखे ना, जब हरे कृष्ण नाम करने बैठते हैं बास मन वही वही चीज को सस्ता है ना, वही वही चीज को सस्ता। क्यों? ये आंख जितने बदमाशी हैं, जितने गंदी गंदी चीजों को देख देख कर ना फटो खेच खेच करके अंदर में ये डाल रहे हैं, इसलिए भजन में मन नहीं लगने का एक ही कारण ये आंख है। इसलिए बिल्लो मंगल ने देखा, एक तो चिंता मणि की मैंने वाक्य बहान से घर छोड़ करके भजन के लिए गया, फिर बीच में सेठानी की प्रति आसक्ति हो गया, बोले क्यों ये आंखों का ये आंख ही मूल कारण है, इसलिए न रहेगा बांस और न बज की बांसुरी, इसलिए आंख ही फोड़ दो। उन्होंने पूरा दोनों आंख उन्होंने फोड़ दिए, फोड़ करके चल पड़े वृंदावन के लिए चल पड़े। आंख तो फूट गया, दिख 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 नहीं रहा है, अभी वृंदावन कहीं जाएगा। देखो जो भगवान की भक्ति करते है ना, स्वयं कृष्ण एक बालक बनकर के आ गए, कृष्ण स्वयं बालक बनकर के आ गए, बोले बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बोले मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। बोले तू भी जा रहे हो? बोले हाँ। बोले थोड़ी सी मेरी लठियां पकड़ लोगे? बोले हाँ पकड़ पकड़वा दो। कृष्ण स्वयं बालक बनकर के आए और उनका लठिया पकड़ करके वृंदावन ले गए, हैं उनको वृंदावन में ले चले, ले गए वृंदावन में, और उनको वृंदावन में उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने जहाँ कालिया था है ना वृंदावन में, जहाँ कृष्ण कालिया नाग के ऊपर जहाँ पर नृत्य किया, वहीं पर बिल्लो मंगल ने वहीं पर उन्होंने भजन किया। और भजन किया तो सख्यात प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण दोनों सख्यात रूप में प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए और उनको आंख पुनर्वाद पुनर्वाद उनको आंख वापस कर दिए। आंख फोड़ दिया था ना ठाकुर ने, फिर तो ना आंख दे दिए। बोला प्रभु ये आंख मेरे क्यों दे दिए? ये आंख ही जब तो दुष्ट है, इसलिए ये आंख मेरे क्यों दे? आंख नहीं था बढ़िया था, अभी आंख दे दे सारा दुनिया देखूंगा, सारा दुनिया देखूंगा, और देखूंगा तो ये आंख भजन में बाधा देगा। बोला मैं आशीर्वाद देता हूँ अभी तुम्हारा कुछ होने वाले नहीं। तब उन्होंने बिल्लो मंगल ने एक ग्रंथ लिखे है जिसका नाम है, क्या नाम है ग्रंथ का नाम? कृष्ण कर्णामृतम। वो ग्रंथ का नाम कृष्ण कर्णामृतम, मतलब कृष्ण के कान के लिए जो अमृत है। बड़ी सुंदर राधा रानी की महिमा उन्होंने लिखी। कृष्ण को कर्ण को अमृत किस चीज में लगता है? जब राधा रानी के नाम सुने, राधा रानी की महिमा सुने, कृष्ण कान को बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए ग्रंथ का नाम कृष्ण कर्णामृतम। वो कृष्ण कर्णामृतम में उन्होंने एक श्लोक लिखे है, बोले साध्वी माधी का चिंता न भवती सरकरे कर्कशासी। उस श्लोक में कह रहे हैं, अभी वो जो भजन गा रहे थे ना, क्या भजन गा रहे थे? हाँ मैं तो वृंदावन में जाऊं सकरी मेरे नैना, हाँ मेरे नैना लड़ी बिहारी से, हैं वहां पर कह रहे हैं। वो बिल्लो मंगल कह रहे हैं अगर जीवन में अगर एक बूंद राधा रानी की, कृष्ण राधा रानी के प्रेम केवल एक बूंद अगर तुम्हारा आस्वादन कर लो, एक बूंद रस तुमको मिल गया, क्योंकि उसमें इतने आनंद इतने इतना आनंद है। बोले साधी माधिक न भवती सर करे कर्कशासी। कहते जो सरकरा है ना बड़ा मीठा होता है सरकरा, कहते हे सरकरा तुम तो कर्कश हो गया, कर्कश मतलब तुम हो गया कड़वा हो गया है। बोले तेरे को दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। बोले क्यों? बोले राधा कृष्ण की प्रेम रस आस्वादन को हो गया है। हाँ इसलिए जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सबके सब राजा घर के लड़के थे, सब राजा राजा घर के लड़के थे, लेकिन जब इनको राधा कृष्ण का प्रेम रस आस्वादन हुआ, उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आए और गली गली में राधे कृष्ण कहते हुए पागल बोलते होते हुए बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पागल होकर गली गली में प्रभु का भजन करते रहे, ठाकुर जी के भजन करते रहे।
इसलिए बोले बोले सरकरे तुम तो कर्कश हो गया। बोले द्राक्षा द्राक्षंती, द्राक्षा होता है अंगूर का एक रस होता है, द्राक्षा रस है, बड़ा मीठा बड़ा स्वाद होता है। बोले द्राक्षा द्राक्षा रस तेरे तरफ में और कोई नहीं देखेगा, तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले अमृत मृत रसी, बोले अमृत तुम मर जा, तुम मर जा अमृत है। और इस जगत में सबसे बड़ा रस किसको मानते हैं है? क्या रस मानते हैं? जैसे पति पत्नी का मिलन है, पत्नी के अधर को रस मानते हैं। बोले धरा धरा मृतम, तो मर जाते हैं तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले क्यों? बोले राधा कृष्ण का प्रेम रस आस्वादन मिला, इसलिए वो गा रही, जो भजन गा रही थी ना, जब बांके बिहारी से एक बार नयन लड़ जाए, लड़ जाए मतलब बांके बिहारी से एक बार तुम्हारे नयन से नयन मिल गया, फिर क्या होगा? भले ही सारा दुनिया कुछ बोलते क्यों नहीं रहे, सारा दुनिया तुम कुछ बोलते रहे, लेकिन वो किसका परवाह नहीं करता है, हैं? किसको वो परवाह नहीं करता है। वो भजन में गा रही थे, सांस लड़ेगी ननंद लड़ेगी, यहाँ पर तो सांस लड़ने का कोई बात ही नहीं, कोई सुनने वाले नहीं यहाँ पर। भारत में ना, भारत में बहुत पाबंदी, जो सास जो ननंद है ना, जो सास ननंद है सहज में, बहू को जहां तक बहू को जाने, बहू को जहां तक जाने नहीं देती है, हर समय उसको अपना अधीन में रखते हैं, हर समय उसको अपना कंट्रोल करती है। बहू अपना इच्छा अनुरूप कुछ कर नहीं सकती है, ये हमारी पहले से ही ये रीति रिवाज ये पहले से आ रही है। इसलिए कहते भले ही सास क्यों नहीं लड़े, ससुर क्यों नहीं लड़े, भले ही पति क्यों नहीं लड़े हमारे साथ में, भले ही सारा दुनिया हमारे साथ में लड़ते रहे, लेकिन वो क्या करती है, जब कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन मिलता है, अरे बीच में सो करने को जरूरत है। हरी हरी बोल। देखो भले ही सारा दुनिया क्यों विरोध नहीं करे, लेकिन वो किसकी परवाह नहीं करता, भले जिंदगी भर पति लड़ते रहे। अब दुनिया ऐसे की चीज है ना, अब देखना दुनिया, अगर कोई गंदे रास्ता पर जा रहा है ना, भले ही बेटा शराब पी रहा है, भले ही बेटा सिगरेट फूंकता है, भले ही बेटा जुआ खेलता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोले वेरी गुड नाइस, बढ़िया काम कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, लेकिन आप देखना थोड़ी सी भगवान को भजन करने लग जाए, गला में कंठी तिलक भजन करने लग जाए, सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए अभी से नहीं, कब से, ये सत्य युग से देखो कि हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को पीछे पड़ गया, रावण ने विभीषण को पीछे पड़ गया। पहले तो सत्य युग में केवल एक ही हिरण्यकशिपु सुनने को मिलता है, त्रेता युग में केवल एक रावण, अभी घर घर में रावण हो गए, घर घर में हिरण्यकशिपु हो गए। अगर कोई भगवान के भजन में आए, भगवान की भक्ति में आए, भगवान की भजन करने के लिए आए, हाँ देखना सारा दुनिया पीछे पड़, ये सब क्या है, साधु संघ में क्यों जाओ, लेकिन डिस्को डांस में, नाइट क्लब में जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, लेकिन कोई भगवान की भजन में आओ, भगवान की भक्ति करो, नाम लो, भगवान की तिलक लगाओ, गला में तुलसी का टीका बांधो, देखना सारा दुनिया तुम्हारी पीछे पड़ी जाती है, सारा दुनिया तुम्हारी पीछे पड़ी जाती है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, एक व्यक्ति को पहचानने का क्या लक्षण है, कृष्ण कहते मत भक्त भवेत सुर असुर तद विवर्ज, जो मेरे भजन करते हैं समझना वही देवता, और जो भजन नहीं करते हैं वो सब राक्षस है, तो सबके सब राक्षस है कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करता है और चार तरह का मेरे भक्ति भजन नहीं करते। अर्जुन ने पूछा, प्रभु तेरे भजन कौन कौन नहीं करते? बोले नाम दुष्कृत ने मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायायाम अपहृत ज्ञान आसुर भावमासित। ये कृष्ण खुद कह रहे गीता, बोले नाम दुष्कृत ने मूढ़ा, तो चार व्यक्ति कौन है, वो दुष्कृति संपन्न पापी चार व्यक्ति कौन है? बोले जिन जिनों का पूर्व जन्मों का बहुत पाप है, उनकी बहुत पाप इकट्ठे किया अर्जुन, वो मेरे भजन तरफ नहीं आए। पहला नंबर कौन है? बोले मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख,
हैं, पहले नंबर वो मूर्ख अपना को तो समझता है पंडित, लेकिन सबसे बड़ा बेकूफ वही है। नमा दुष्कृत ने मुड़ा प्रपद नराधमा, दूसरा नंबर को नहीं, बोले नरों में जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति, जो अधम है, सबसे जो गिरे हुए व्यक्ति, वो मेरे भजन नहीं करेगा। बोले मायायाम अपरहृत ज्ञाना, तीसरा नंबर कौन है, माया जिसका बुद्धि संपूर्ण हर लिया, नष्ट कर लिया, जिसकी अकल नाम का चीज कोई है ही नहीं, बुद्धि नाम का कोई चीज है ही नहीं। और चौथा नंबर क्या है, नराधम मायाम अपर असुर भाव माश्रित, बोले जो असुर संपन्न राक्षस संपन्न, वही ये चार तरह का व्यक्ति कृष्ण ये मेरे भजन नहीं करते हैं। बोले चार तरह का व्यक्ति भजन करते हैं, बोले कौन कौन है, क्या श्लोक है, क्या श्लोक है, बोलो क्या श्लोक। कृष्ण कहते हैं चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करते नहीं, लेकिन चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करते हैं। बोले जना सुकृत न अर्जुन आरती जिज्ञासु, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु गानी से भरतस्तव, इसलिए कहते हैं चार तरह का मेरे व्यक्ति भजन करते हैं। बोले कौन है, बोले जना सुकृत न अर्जुन, जिन जिन का पूर्व पूर्व जन्म का बहुत सुकृति किया है, बहुत पुण्य अर्जन किया है, हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, करोड़ करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ, कहते वो चार व्यक्ति मेरे भजन करते हैं। बोले वो कौन कौन है, बोले आर्त, आर्त मतलब होता है विपत्ति में पढ़ करके भजन करते। बोले कौन, बोले गजराज हाथी, जिस समय वो हाथी को मगरमच्छ पकड़ करके पानी में खींचते हुए ले जा रहा था, जब तक गला डूब गया तभी पुकार रहा था, लेकिन जब नाक डूबने लगा ना फिर क्या होगा, नाक डूबे तो खत्म हो जाएगा। इतने में उसने क्या किया, एक कमल फूल लेकर के, हाथी है, एक कमल फूल लेकर के भगवान को अर्पण किया। कहां भगवान वैकुंठ में थे, बोले ना रा, अभी यण नहीं बोला, केवल ना रा, केवल दो अक्षर बोलते ही चक्र इतने तेजी से ठाकुर ने भेजा, उन्होंने मगरमच्छ को कपटाई को खत्म कर दिया है। इसलिए अभी प्रश्न है, एक हाथी ने भगवान को कैसे स्मरण किया, एक हाथी भगवान को कैसे स्मरण कर सकता है। बोले जना सुकृत न अर्जुन, अगर पूर्व पूर्व जन्म में सुकृति अगर हो, बल क्या सुकृति किया, बल्कि ये पूर्व जन्म में ये इंद्रदुम्न राजा थे, एक दिन भजन कर रहे थे और वहां पर श्री अगस्त ऋषि आए। जब अगस्त ऋषि आए, देखिए यहाँ पर बहुत शिक्षा दे रहे, जब अगस्त ऋषि आए, ये ठाकुर जी की पूजा सेवा कर रहे थे, शालग्राम को पूजा कर रहे थे, तब राजा ने सोचा कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी से थोड़ी ही बड़े हैं, बैठ जाएंगे, जब मेरा पूजा सेवा खत्म हो जाएगा ना, फिर ऋषि को मैं फिर सम्मान देकर बैठाऊंगा, फिर पूजा करूंगा, पहले तो ठाकुर पूजा करनी चाहिए। इतने में अगस्त ऋषि ने बड़ा क्रोध आया, बोले लगता है तू तो भजन कर रहे हो, लेकिन लगता है कोई साधु संत का अनुगत्य में तुमने भजन नहीं सीखा, नियम है भजन का, पद्धति कैसे सीखनी चाहिए। बोले गुरु परंपरा से साधु का अनुगत्य में, लगता है तू कोई साधु का अनुगत्य नहीं किया। इसलिए शास्त्र में कहता है प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्जनम, सर्वप्रथम गुरु जी को वैष्णव का आदर देनी चाहिए, कृष्ण कहते उसको बाद में मेरी पूजा करनी चाहिए है। इसलिए बोले गुरु गोविंद दो खड़े, गुरुदेव और गोविंद दोनों खड़े हैं, साधु और ठाकुर दोनों खड़े हैं, बोले सबसे पहले किसको प्रणाम करें, किसको पहले प्रणाम करनी चाहिए, कहते पहले गुरु जी को, पहले साधु को प्रणाम करो, उसको बाद में जाकर के भगवान को प्रणाम करो, यही विधि नियम है, हैं? इसलिए अगर भगवान को डायरेक्ट प्रणाम करोगे ना, अगर साधु को गुरु जी को प्रणाम नहीं, ठाकुर भी तुमको माफ नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये इंद्रदुम्न महाराज पूजा कर रहे थे शालग्राम की, ऋषि आए, उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, ऋषि ने अभिशाप दिया। अब देखना हाथी जब चलता है ना, ऐसे ऐसे करते हुए किसी को ग्राह्य नहीं करता, डोंट केयर, बोले तेरे व्यवहार हाथी जैसे तेरे व्यवहार, जा तू हाथी जोड़ को प्राप्त कर, ठाकुर जी बचाए नहीं, पूजा कर रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर तो बचाना चाहिए था ना, बोले नहीं ठाकुर नहीं बचा, नहीं ये ठीक नहीं, अगर तुम ठाकुर को पूजा करते करते गुरु कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए,
ठाकुर का पूजा वहीं पर रखो, ठाकुर को पूजा वहीं रख लो, पहले गुरु जी की पहले साधु का सम्मान करो, उसको बाद में मेरी सम्मान करना। बोले एक समय नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों बैठे हुए थे, एक भक्त आए मुरारी जी का है, आकर उन्होंने क्या किया, पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, फिर उन्हें नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तब महाप्रभु ने कहा तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे व्यवहार ठीक नहीं है। पहले महाप्रभु को महाप्रभु तो भगवान है, नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, बोले तुम्हारी व्यवहार ठीक नहीं, बोले घर में जाओ। जब घर में गए उन्होंने स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा, देखा साक्षात नित्यानंद प्रभु आगे आगे जा रहे हैं, और महाप्रभु स्वयं छतरी लेकर के नित्यानंद प्रभु को सर के ऊपर, स्वयं महाप्रभु पीछे पीछे चल रहे हैं और उनको सर पर छतरी धारण करते हुए, अम्ब्रेला धारण करते हुए, और आगे आगे नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं। फिर जब दूसरे दिन फिर आए, फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, फिर उन्होंने महाप्रभु का प्रणाम किया, अभी तुमने ठीक किया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, सबसे पहले वैष्णव का आदर करो, उसको बाद में ठाकुर जी का आदर करनी चाहिए। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण क्या है, बोले तुमको जो भगवान तक पहुंचाया, किसने भगवान तक पहुंचाया, ये गुरु वैष्णव तुम्हें भगवान तक पहुंचाए। अगर ये गुरु वैष्णव नहीं होंगे भगवान का भक्ति हम कर नहीं सकते। इसलिए जब ध्रुव महाराज साक्षात भगवत दर्शन हो गया, ध्रुव जी को साक्षात भगवत दर्शन हो गया, भगवान जब बोले वर मांगो, उन्होंने भगवान का संग नहीं मांगे, क्या मांगे उन्होंने, बोले प्रभु आपका भक्तों का संग दो। ठाकुर जी बोले जब मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दे दिया, जब मेरा दर्शन तुमको हो गया, फिर तुम भक्त संग क्यों चाहते हो। बोले प्रभु आप तो आपका कथा नहीं सुनाओगे ना, आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे, आपका भक्त लोग आपका कथा सुनाएंगे। जब आपका भक्त संगत रहेंगे, आपके नित्य निरंतर आपकी कथा सुनते रहूंगा, कथा सुनते 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 ये मन अपने आप तुम्हारे चरणों में लगा हुआ रहेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र काय लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धिया है। इसलिए हर शास्त्र कहता है, हाँ, इसलिए कबीर कहते हैं बोले संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो भरभागी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी। तागा से तोहे हंसा बनावे, तागा से तोहे हंसा बनावे, ओए तेरो भरभागी संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत संग विवेक न होई। इसलिए जितने सारे ग्रंथ में साधु संघ की प्रार्थना करते हैं, भक्तों का संघ की प्रार्थना करते हैं। इसलिए पहला नंबर कौन है, बोले आरती, बोले आरती को द्वारा भागवत प्राप्त किया। बोले किसने, बोले श्री हाथी ने। बोले क्यों, बोले सुकृत ही पूर्व संचित, पूर्व जन्म का सुकृति था। बोले क्या सुकृत था, पहले उन्होंने क्या करते थे, पहले ठाकुर का सेवा पूजा करते थे, लेकिन ऋषि ने अभिशाप दे दिया हाथी बन जाओ। बोले प्रभु उद्धार कैसे होगा, बोले उद्धार कैसे होगा, बोले उद्धार होगा जब भगवान तेरे उद्धार करेंगे, हाथी बन कर रहो भगवान उद्धार करेंगे। देखो जब भगवान प्रकट हुए ना, जब भगवान प्रकट हुए
मगरमच्छ ने क्या आंखों को डाल ने क्या कि हाथी का पैर पकड़ के था, खून चूस रहा था। इतने में भगवान बोले तू क्या कर रहे हो? बोले ये क्या कर रहे हो? बोले भक्त संग कर रहा हूं ना। बोले भक्त का संग कर रहा हूं क्योंकि ये इंद्रदुम्न पहले इंद्रदुम्न राजा थे, भगवान की भजन पहले की। बोले कहते ना जब तक तो संतों का चरण नहीं पकड़ोगे तब उद्धार नहीं, भक्तों का चरण पकड़ोगे तभी तो उद्धार होगा। इसलिए पहले इंद्रदुम्न राजा थे, इसलिए इनका चरण पकड़ रहा हूं ना, इसलिए चरण पकड़ रखा क्योंकि संतों का चरण पकड़ पकड़ जीव का उद्धार नहीं। चरण बोले चरण ऐसे थोड़ी पकड़ता है, खून पी रहे हो तो चरण क्या पकड़ रहे हो, तो खून पी रहे हो। हाँ, यहाँ से क्या देते हैं? ऐसे नहीं, संतों का संग मतलब ये नहीं संतों का सेवा करनी चाहिए, ऐसे नहीं संतों का खून नहीं चूसनी चाहिए, संतों का खून नहीं चूसनी चाहिए। देखो एक समय कोई गुरु एक चला थे गुरु जी ने कहा देख बेटा महाप्रभु ने बताया जब तक 100,000 हरिनाम नहीं करोगे ना महाप्रभु उसका हाथ का खाना नहीं खाते। बेटा 100,000 रोज हरिनाम करनी चाहिए। अभी बोले गुरु जी ने बताया 100,000 हरिनाम करने एकदम सबेरे सबेरे नहा धो कर ना पूरा माला लेकर बैठ गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, भजन करने लगा। लेकिन पहले आश्रम में क्या होता था? पहले आश्रम में कुछ नहीं होता था, नियम है रोज भिक्षा के लिए जाओ, भिक्षा का द्रव्य लाओ, गुरु जी के चरण में दो, रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगाओ, प्रसाद। पहले यही नियम था। बोले बेटा भिक्षा में नहीं जाओगे? बोले गुरुदेव आप बताया ना 100,000 हरिनाम करनी चाहिए, अभी मेरा नाम ही नहीं पूरा हुआ। गुरुदेव स्वयं भिक्षा में गए, भिक्षा लेकर गए, बोले बेटा कम से कम खाना तो बना दो। बोले गुरुदेव अभी भी माला पूरी नहीं। गुरुदेव ने रसोई बनाया, बोले बेटा कम से कम ठाकुर को तो भोग लगा दो। बोले गुरुदेव अभी भी माला पूरी नहीं, थोड़ी बाकी है। अभी गुरुदेव ठाकुर को भोग लगाया, बोले बेटा कम से कम आसन तो बिछा दो प्रसाद के लिए। बोले गुरुदेव अभी थोड़ी सी बाकी है। तो गुरुदेव आसन बिछा दिए, बोले बेटा प्रसाद तो पाने के लिए आओ। बोले गुरुदेव आपका आज्ञा कितने अवमानना करूंगा, नेगलेक्ट करूंगा, लास्ट आज्ञा थोड़ी पालन कर देता। उन्होंने माला रखी और सीधा बैठ गए और प्रसाद खा लिया। बोले बेटा जगह साफ नहीं करोगे? बोले गुरुदेव अभी माला पूरी नहीं है। इसलिए इसका मतलब नहीं, ये नहीं, ऐसे वैष्णव का संग नहीं, केवल वैष्णव से केवल सेवा ले ले ले, समझ रहे हो? देखो ये चीज को समझो, जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा। ध्यान देकर सुनो, जैसे हम आते हैं प्रसाद पाए और सब चल पड़े, नहीं कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिसने दिया जिसने प्रसाद बनाया जो साफ जगह साफ करता है ना, क्या होगा? हमारी जो थोड़ी बहुत सुकृति वही ले लेगा, हमारी जो सुकृति। नारद जी स्वयं व्यास देव को बताया मेरे को इतने कम उम्र में भक्ति मिली कैसे? बोले केवल एक उपाय से, बोले संतों का सेवा से। इसलिए नियम है, ऐसे नहीं आए प्रसाद पाए और सीधा चल पड़े, नहीं ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो सेवा करेगा ना वो सारे हमारी सुकृति वही ले लेगा। प्रथम खाली हाथ से यहाँ से गए, खाली हाथ में आए और दूसरे का सेवा लिया और खाली हाथ से चले गए, तुम मिला क्या यहाँ से? इसलिए कभी भी ऐसे, इसलिए ऐसे करने वालों को ना भक्ति नहीं मिलती है। बड़े दिन तक आने पर उनके अंदर में भक्ति की भावना नहीं आती है, क्यों? उन्हें सेवा नहीं करते हैं। सेवा नहीं करने पर हमारे जो थोड़ी बहुत सुकृति, जो सेवा किया उसने हमारी सारी सुकृति को वो ही ले लेते हैं। इसलिए नियम है, कोशिश करनी चाहिए जब भक्त लोग प्रसाद पाए कम से कम आसने बिछा दो, कम से कम उसको प्रसाद दो। अगर इतना नहीं कर पाए जैसे जहां पर प्रसाद पाए कम से कम वो जगह को थोड़ा साफ करो, है वो स्थान को साफ करो। नारद खुद कहते हैं, कहते केवल मैंने संतों का सेवा से भक्त सेवा से ही हमें आज भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए जब तक सेवा नहीं करोगे ना विवाह नहीं मिलता है। संसार में देखना, अगर आप पति का सेवा नहीं करोगे, नहीं तो घर की सेवा नहीं करोगे तो घर में रुकने देंगे, घर से निकाल देंगे। घर में भी देखना, अगर तुम घर में कोई काम वाम नहीं करोगे घर में तुमको रुकने नहीं देंगे। अगर दिन भर घर में बैठ बैठ कर खाओगे घर में भी रुकने नहीं देंगे। इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए, जितनी ये शरीर से बन पड़े उतना सेवा हमें
करनी चाहिए, सेवा से ही मेवा मिलती है। इसलिए पहला नंबर कौन है? यह हाथी है। उनको वैष्णव चरण पकड़े, किसका? हाथी की चरण पकड़ लिए। बोले छोड़ छोड़, बोले नहीं भक्त का चरण पकड़ा मैं, इसलिए भक्त का चरण पकड़ा। इसलिए कहते जना सुकृति न अर्जुन, इसलिए इन्होंने हाथी होकर के उन्होंने भगवत स्मरण क्यों किया? चूंकि पूर्व जन्म में उसका भजन किया था। जो भजन है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता है, हर जीवन में। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन भन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, असुर नहीं ले बे लुट नहीं जावे, चोर नहीं ले बे लुट नहीं जावे, दिन दिन बड़ा कसवार आयो जी में, राम रतन धन पायो पायो जी में, राम रतन धन पायो। जो भक्ति है ना, ये कभी घटती नहीं, हर जीवन में भक्ति बढ़ करके भक्ति हर समय बढ़ करके प्रकट होता है भक्ति। इसलिए पहला नंबर आरती, मतलब अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब होता है पैसा के लोभ से। जब ध्रुव जी ने भजन करने के लिए गया, वो भगवान को दर्शन के लिए नहीं, वो भक्ति के लिए नहीं, क्योंकि उसको जो बीमा था ने गाली बकी, मतलब तभी तो पिताजी की गोद में बैठ सकते हो, मर करके भगवान की तपस्या करो, मर करके मेरे कोख से जन्म ले, तभी पिताजी गोद में बैठ सकते हो। पास इतने में ध्रुव जी को बड़ा क्रोध हुआ, माँ को पास में रो रो कर गई। माँ तो सुनीति थी ना, माँ थी सुनीति, जब उत्तम नीति को अपनाने वाली। बोले तेरे मैया तो सही सही बताया, बुरा क्या बताया, तू क्रोध क्यों कर रहे हो? जब तक भगवान का कृपा नहीं होना होता है ना बेटा, वो कभी राज सिंहासन में बैठ नहीं सकता। हाँ, उसने एक बात तो गलती बताई और एक बात सही बताई। गलती उसने क्या बताई? बोले तू भजन करके मेरे कोख से जन्म ले हैं? उसने जो अच्छी बात बताई, बोले भजन की बात बताई, ये एक अच्छी बात करके बताई, जब तक प्रभु की भजन नहीं करोगे तब तक ठाकुर थोड़ी मिलते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की कोख से जन्म लेकर क्या तेरा लाभ होगा? इसलिए ये तो एक गलती बताई और सही बात बताई। इसलिए हे बेटा, ये पिता तेरे को कितना प्रेम देंगे, कितना स्नेह देंगे, ये दुनिया कब तक रहेगा, पिताजी का गोद कब तक रहेगा, ये सब खत्म होने वाले। लेकिन ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो, जो एक बार बैठोगे ना, कभी उतरने का जरूरत नहीं। बोले मैया वो कौन है? बोले ये पद्म पलाश लोचन श्रीहरि है। बोले मैया कैसे मिलेंगे? बोले बेटा उनके लिए तो कठोर तपस्या तेरे को करना पड़ेगा। बोले माँ मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दे, मैं एक दिन तेरे को राजमाता बनाऊंगा और मैं स्वयं राजा बनूंगा। इसी लोभ से भजन के लिए गया। लेकिन जब भगवत दर्शन मिली, जब भगवत प्राप्ति हो गई, साक्षात प्रभु दर्शन दिए, वो क्या कहता है? बोले स्थाना भिलासी तपसी स्थित अहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनि द्रगुज्यम काचम विचिन्न अपि दिव्यरत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मि परम न जाचे। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, पहले मैं बेकरू था, प्रभु मैं मूर्ख था, इसलिए पहले ये राज्य लोभ से आया है। आपका चरण कैसे है? आपका चरण इतने दुर्लभ है, देवता मुनि ऋषि मुनियों के लिए भी तुम्हारी चरण दुर्लभ है। ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्जित पद तुम्हारे जो चरण कमल है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यामे हैं। वायु रथा भी मन पुंगवा नाम, जिन्हें चरण को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते हैं, केवल हृदय में तुम्हारी चरण को स्मरण करने के लिए वो हो नहीं पाता है। आज वो दुर्लभ चरण को मैंने दर्शन लिया प्रभु, कृतार्थ अस्मि परम न जाचे। प्रभु मेरे जीवन धन्य धन्य हो गया, कृत कृत मेरा जीवन हो गया,
प्रभु हमें नहीं चाहिए। अगर कोई उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति कोई टूटे फूटे कांच के टुकड़े ढूंढ रहा है, अगर उसको दिव्य रत्न मिल जाए, कौन जगत में ऐसे मूर्ख होगा जो दिव्य रत्न छोड़कर कांच के टुकड़ा लेगा। कभी जो संसारी कांच के टुकड़े है, हमारे मथुरा में व्यक्ति बढ़िया बहुत बढ़िया भजन, ए जीवन कांच के टुकड़ा एक दिन फूट जाएगा दुनिया की, बहुत बढ़िया भजन है, मैं तो भूल गया, बहुत बढ़िया मतलब बड़े सुंदर भजन गाता, ये जीवन कांच के टुकड़ा एक दिन टूट जाएगा कि ठोकर लग कर एक दिन फूट जाएगा, बड़े सुंदर भजन गाता। इसलिए जीवन है, इसलिए प्रभु हमें नहीं चाहिए, हमें हम तो आपकी चरण की चाहिए। हाँ अभी प्रश्न है, फिर ध्रुव महाराज वो केवल 5 साल का था, वो कैसे उसका हृदय में भजन करने की वृत्ति कैसे आई? हाँ? किसी दूसरे पुराण में आता है जब ध्रुव जी ने भगवत दर्शन कर लिया ना, उसको बड़ा अभिमान हुआ। देखो जिन प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते तभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन मैंने 5 साल उम्र में दर्शन किया, उसको ये अभिमान आ गया। नारद जी ने बोले इधर आ। नारद जी ने उसको ले गए समुद्र के बीच में, बोले ध्रुव देखो तो ये क्या है, बोले ये हड्डी का पहाड़ है, बोले जानते हो ये हड्डी का पहाड़ किसके, बोले किसके, बोले तेरा, बोले मेरा, ये मेरा कैसे, बोले पूर्व जन्म में तुमने इतने जन्म जन्मांतर तुमने तपस्या की है, तुम्हारे इतने जन्म तक तपस्या की, तुम्हारी ये हड्डी का पहाड़ ये बन गया, लेकिन इसी जीवन में जो दिखता है 5 साल उम्र में तेरे को प्रभु को प्राप्त हो, 5 साल उम्र में नहीं, केवल तुम्हारे 5 साल बाकी रह गया था, लेकिन इतने जीवन तुम्हारा पहले बीता है, इतने जीवन बीता है तभी इसी जीवन में केवल 5 साल की बाकी थी, और इसी जीवन में तुमको 5 साल केवल लगा, ये मत समझो 5 साल में तुमने प्रभु को प्राप्त नहीं कर लिया। इसलिए बोले जना सुकृत न अर्जुन, तभी है तभी कोई भजन करेगा, जैसे हाथी ने भजन तभी क्या पूर्व जन्म का संस्कार थी, तभी ध्रुव ने तपस्या करने गया पूर्व जन्म का थी, आरती अर्थार्थी, बोले आरती में आर्त अर्थार्थी ज्ञानी सब भरत सब, तब यहाँ पर कहते हैं क्या श्लोक है उसमें बताए जिज्ञासु, बोले प्रश्न जिज्ञासु किसने किया, बोले ये सौनक आदि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को प्रश्न किया जिज्ञासा है, इसलिए सुतो गोस्वामी को सौनक आदि ऋषियों ने उनको प्रश्न किया है, है? जब श्री सौनक आदि ऋषि लोग बड़े दिनों से बैठ करके नैमिषारण्य में बड़े दिनों से बैठ करके वहां पर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते 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 ना उनका हृदय में कोई आनंद नहीं आ रहा था, उनको दाढ़ी मोज सब जल गया, हृदय तक भी जल गई, लेकिन अंदर से कोई शांति नहीं मिल रही। लेकिन जब श्री सुतो गोस्वामी वहां पर आए तो सौनकादि ऋषियों ने उनका आसन देकर के बैठाए, आसन देकर बैठा कर तब उन्होंने 6 प्रश्न किया है, कितना प्रश्न किया था, 6 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न किया था, कोई बोल सकते पहला प्रश्न किया था? हाँ अभी मैं बताऊंगा 6 प्रश्न किया, कल फिर पूछूंगा आपको, मैं देखो अपन बोल पा रहा है, जो बोलेगा ना उसको मैं बढ़िया इनाम दूंगा, उसका इनाम समझते हो क्या बोलते हैं, इनाम को क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड, हाँ रिवॉर्ड। हाँ देखो उनका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में 3 प्रश्न है, पहला प्रश्न में 3 प्रश्न है, ध्यान देकर सुनना, मैं देखूंगा कौन बोल पाता है। पहला प्रश्न में 3 प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को हम जो कुछ करते जीवन में सब शांति के लिए करते, सब जीवन में सुख शांति के लिए करते हैं, लेकिन जीवन में हमें शांति हाथ में आई नहीं, जैसे 3 समस्या सोचे 3 समस्या कैसे खत्म हो जाए शांति मिलेगी, 3 समस्या तो गई नहीं, 5 समस्या खड़ी रहती है। इसलिए उनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उसमें और एक प्रश्न है जगत में तरह तरह का धर्म है, देश धर्म, जाति धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, भाई धर्म, बहन धर्म, जगत में तरह तरह का धर्म है, पति धर्म,
पत्री धर्म जगत में तरह तरह का धर्म, ध्यान देकर सुनो, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का परम धर्म क्या है? जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? इसलिए हम इसको धर्म कहते हैं। पत्नी जैसे कोई बात कहती है, पत्नी की बात सुननी चाहिए। पति अगर कोई बात कहता है, पति की बात सुननी चाहिए। माँ अगर कोई बात कहते हैं, माँ की बात सुननी चाहिए, भाई की। लेकिन ये धर्म, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का वास्तव धर्म क्या और असली धर्म क्या है? इसलिए कभी कभी जैसे हम भजन में आते हैं ना, बोले भजन मैया मेरे को मना करती है भजन के लिए मत जा, कभी भैया मेरे को मना करती है सत्संग में मत जा, कहते मेरे को पत्नी मना करती है, कहते ना पत्नी मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है, ये तरह तरह का धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का वास्तव धर्म क्या है? वास्तव धर्म क्या है? कहते सबई पुंसा परम धर्म जत्तो भक्ति रत्वत सजे। ये जितने सारे धर्म में जीव का जो श्रेष्ठ धर्म, भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, ये जीव का यही असली धर्म है। अगर इसी धर्म में अगर कोई मना करते है ना, अगर वो वाक्य को तुमने उल्लंघन किया तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसे उदाहरण दिया, इसमें उदाहरण क्या दिया कि जैसे प्रहलाद ने जब भजन करने के लिए आए, उसको पिताजी ने बोले नहीं हरि की भक्ति नहीं कर सकते हो, खबरदार अगर हरि का भक्ति किया ना जान से तेरे को खत्म कर दूंगा। लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात सुना, बात सुना पिता का। लेकिन जगत में हिरण्यकश्यप का पूजा हो रही है ना, प्रहलाद का पूजा हो रही है। किसका पूजा हो रही जगत में? किसका पूजा हो रही? प्रहलाद का। गोप ने गोपियों से मना की, बोले कहां घर से बाहर निकल रहे हो, जब कृष्ण बंसुरी बजाए तब गोपी भागने लगी तो उनको पतिवर ने मना किया, बोले घर से बाहर निकल, उन्हें टांग तोड़ दूंगा, खबरदार घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन गोपियों ने पतियों का बात सुने नहीं सुने, किसको पास में आए? कृष्ण को पास में आए। लेकिन जगत में किसका पूजा हो रही है? जगत में पूजा किसकी हो रही है? गोपियों की पूजा हो रही है। जैसे विभीषण ने, विभीषण उसने रावण ने कहा खबरदार राम की भक्ति नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने रावण का बात उसने नहीं सुना, उन्होंने राम की भक्ति की। लेकिन जगत में किसका नाम पूजा हो रही है? विभीषण की। इसलिए बलि महाराज कहते शुक्राचार्य जब बलि महाराज को बोले गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, पाप लगता है, गुरु को त्याग देना पाप है। लेकिन जब शुक्राचार्य जब बलि महाराज को बोले खबरदार जानते हो ये कौन है, वो सख्यात भगवान है, पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वो तुमको अमृत से वंचित कर दिया, वो मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आया, वो जो बहुना रूप धारण करके आया ना, वो तीन पग जमीन नहीं त्रिभुवन राज्य ले जाएगा, खबरदार इसको दान नहीं देना। बलि महाराज बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। अरे आप खुद साक्षात कह रहे हो भगवान है, भगवान होकर के मेरे दरबार में मांगने के लिए आए, तुम कैसे गुरु हो? गुरु का काम क्या है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार सत्य निरोधकम्। गुरु का मतलब होता है अज्ञान को हटा करके दिव्य आलोक को दिखा दिए, गुरु का काम है। अब साक्षात बोल रहे हो भगवान आए मांगने के लिए, अब भगवान का गुरु का काम है भगवत दर्शन देना, आप कह रहे हो भगवान को दान कर दो, ऐसे गुरु की कोई जरूरत नहीं। त्याग दे दिया उन्होंने, त्याग दे दिया गुरु को। कहते माँ की बात, माँ की बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए कि नहीं? लेकिन भरत ने, भरत का माँ की नाम क्या थी? कैकेयी। कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दे दिया, बोले मेरे बेटा राजा बनेगा और राम 14 साल के लिए वनवास जाएगा। लेकिन जब भरत को ये बात पता चला, भरत ने कहा अगर मेरे प्रभु राम अगर नाराज नहीं होते ना, तेरे गला में काट देता यहीं पर, तेरे गला में घोट देता, लेकिन प्रभु राम के लिए मैं डर रहा हूं, आज से तेरे साथ में कोई मेरी संबंध नहीं, माँ बेटा का संपूर्ण खत्म खत्म कर दिया उन्होंने। यहाँ पर कह रहे हैं मीरा ने, मीरा का नाम सुने हो? सुने मीरा का नाम सुने हो? मीरा तो गिरधर रंग में रंगी हुई थी, मीरा गिरधर रंग में रंगी हुई, अभी उसका पति विरोध कर रहा है, उसका देवर विरोध कर रहा है, उसका सास ननद सब विरोध कर रहे हैं। इतने में मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास को पास में पत्र लिखते हैं, बोले प्रभु मेरे सारे परिवार कृष्ण विरोध है, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए? देखो मीरा गोस्वामी तुलसीदास जी को प्यार लिखते हैं,
कद जिनके प्रिय ना राम वैदे ही तेजी कोटी वही समझते भी परम सने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जिनके प्रिय ना राम वैदे ही, जिनका प्रिय राम सीता नहीं है, तेजी कोटी वही सब उसको करोड़ शत्रु मानकर उसको त्याग दो। क्यों? कारण क्या? बोले ये जो मानव शरीर हमें भगवान दिया क्यों दिया? ये संसार को भोग करने के लिए नहीं दिया। गधे कुत्ते सुअर जन्म में यही काम करते करते आए। हर जीवन में लड़का मिले तो लड़की मिली गए, जानवर बने तो कुत्ता मिले तो कुत्ती बन गए, सुअर मिला तो सुअर बन गए। कौन सा जीवन में इस संसार का भोग नहीं किया? सब जीवन में। लेकिन ये जो मानव शरीर किस लिए भगवान ने दिया? प्रभु को पाने के लिए दिया। इसी जीवन में प्रभु को पा सकते हैं 84 लाख के जीवन में। अगर इसी जीवन में तुम्हें भजने में कोई बाधा देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तेजी कोटि बैर सम, उसको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो, मना बोल देते। कहते कोई प्रमाण क्या है? तब उन्होंने एक एक कर उदाहरण देते। तेजत पिता प्रहलाद, माता महतारी, ब्रज गोपियां पति को है, श्री भरत जी अपना माँ को, उन्होंने एक एक उदाहरण दिया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं उनकी जो दूसरी प्रश्न है, जगत में यद्यपि तरह तरह का धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? और उसमें जो तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद उसको ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। इस जगत में देखना, भले ही आपको जितने पैसा मिल जाए, जितने मकान दुकान जितने मिल जाए, कोई तृप्त नहीं होते। कहते कमाई कमाई कमाई, मतलब क्या? कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। कम आई, ज्यादा आए। लेकिन इनका प्रश्न है जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर उसको ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ जीवन में हमें मिल गया, जीवन में सारे सुख हम मिल गया। कभी ये पहला प्रश्न याद रहेगा? नहीं। बताओ तो कौन बोलो, हाथ उठाओ। अभी मैंने जो एक प्रश्न में तीन प्रश्न था, क्या था? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ तो। प्रेमानंद जी बोलो तो। तू क्या कर रहे हो बैठ कर? रेणु बताओ। हाँ रेणु अभी बोलेगी। पहला प्रश्न में तीन प्रश्न है, बोलो। अभी तो ट्रांसलेशन कर रही थी। हाँ क्या बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। आत्मा का शांति। हाँ फिर ये परम धर्म, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म, परम धर्म। और तीसरा प्रश्न वस्तु क्या है जो पूरे दुनिया में सबको मिल सकता है? कुछ ठीक है। हाँ इसलिए इसलिए पहला प्रश्न में तीन प्रश्न है। हाँ तीन प्रश्न है। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जगत में जगत में तरह तरह का धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, बंधु धर्म, भाई, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? और तीसरा प्रश्न है, जगत में ऐसी क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद उसको ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया? ये पहला प्रश्न है। और उनका जो दूसरा जो प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? ये तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है। बोले तीसरा प्रश्न है, बोले यद्यपि कृष्ण एक है, लेकिन एक कृष्ण तीन उनका स्वरूप है और उनका तीन धाम है। कब जब वो द्वारका में रहते हैं पूर्ण, वही कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं पूर्णतम, जब वही कृष्ण गोकुल में रहते हैं वृंदावन पूर्णतम। इसलिए हमें ब्रज का कथा, द्वारका का कथा और मथुरा कथा, ये तीनों जो कृष्ण है पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम, ये तीनों भी कृष्ण कथा में कथा सुनाओ। जो चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए भगवान कभी राम बनकर रावण को मारे, नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप को मारे, कभी बामन बन करके बलि को बर कृपा की, मत्स्य अवतार में उन्होंने वेद उद्धार की, कुर्मा अवतार में मद्राचल पर्वत उद्धार ने किया, बरहा अवतार में पृथ्वी को उत्तोलन की। इसलिए उनका जितने अवतार है उनके सारे अवतार को कथा सुना। और उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जो जस है उनकी जो महिमा हमें सुनाओ। जैसे कृष्ण
जब केवल छह दिन के थे पुतना मार डाले, जब एक महीना को त्रिनावर्त में, तीन महीना में कटासुर को मार डाले, जब चार साल में उन्होंने बकासुर को, पांच साल में अघासुर को, और छह साल में कालियों का सर्प नृत्य की, सात साल में गिरिराज उठा लिए, और उन्होंने सत करोड़ गोपियों के साथ में उन्होंने रास रचाई। इसलिए भगवान की जो अद्भुत जस बता, और जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़कर गए, अभी कलयुग में धर्म कहां पर निवास कर रहा है, कलयुग में धर्म कहां उन्होंने आश्रय लिया। उन्होंने ये छह प्रश्न की, कल हम ये छह प्रश्न का उत्तर सुनेंगे, ठीक। कल हम ये छह प्रश्न का उत्तर, कल छह प्रश्न का कल हम उत्तर सुनेंगे। हम आरती अर्थात ज्ञानी सब आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? बोले चतुसा। ये चतुसा कहती है, चार व्यक्ति मेरे भक्ति करते हैं और चार व्यक्ति मेरे भजन नहीं करते हैं। हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। गौर ब्रह्मानंद छोटा आरती से तब छोटा आरती कर देंगे, ठीक। आरती करो ना, आरती नहीं भजन कर लो। आरती है, आरती नहीं है, थोड़ा भजन कर, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे गो, राधे राधे गो।
हरे कृष्ण।